हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके खिदमत में एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ना, ये अलब्रुज बिल्डिंग है। अलब्रुज ये सोनल चार रस्ते के पास में इधर पड़ती है, और मैं आज आपको लेके जाऊंगा आलू खिलाने, पटाखे खिलाने, पोटैटो। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं धुआपुरा के अंदर, और तीखे तीखे आलू, मुंह फ्रेश हो जाए ऐसे आलू खाने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन उनको सिवाय तीखे के और कुछ नहीं मिलता। लेकिन मैं आज आपको तीखे के साथ में स्वाद भी बताऊंगा, टेस्ट जो तीखा भी लगे और स्वाद भी हो, और खाओगे तो मुंह एकदम फ्रेश। ठीक है, तो ये अलब्रुज बिल्डिंग है मेरे बाजू में, और इसके बाजू में जो देख रहे हो ये रोड अंदर जाता है सरकेस रोजे की तरफ, सरकेस दरगाह की तरफ। वहाँ पर एक खाला है, एक अम्मा है, जिनके बारे में मैंने सुना है, उम्र लायक हो रहे थे बेचारे, छोटी मोटी सी लारी वारी लगाते हैं, तो इसी बहाने किसी की हेल्प भी हो जाएगी और हमको एक अच्छा टेस्ट मिलेगा। तो कैसा टेस्ट है वो हम आपको क्वालिटी क्वांटिटी वहाँ जाके बता दें, तो वहाँ तक आप बने रहो वीडियो में। तो दोस्तों, हम निकल चुके हैं अलब्रुज से। ये सफीलाला मस्तान की दरगाह है, और ये रोड पे हम सीधे जा रहे हैं, और यहाँ से सीधे 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 जाके वो सामने जो लारी दिख रही है वहाँ पर हम आलू खाएंगे। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं आलू पापड़ खाने के लिए। आलू पापड़ आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ बेस्ट क्वालिटी क्वांटिटी स्वाद। ये हमारे अजीम भाई है, हुबली से यहाँ पे आए मिलने के लिए, तो आज इनकी दावत बहुत छोटी सी लेकिन बहुत आलीशान दावत। ये हमारे अनवर भाई और भी कई सारी वीडियो में हमारे साथ थे, इनको आप जानते ही हो। क्या बोलोगे भाई? एक नंबर, आज एक स्वाद का एक नया मजा चखने जा रहे हैं, एकदम डिलीशियस मजेदार रहेगा, और खाना खा के आपका उसका स्वाद भी बनाते बताते हैं बराबर। तो वीडियो में बने रहो। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे हैं, वहाँ तक यहाँ पे आलू सारे ख़त्म हो गए, क्योंकि बहुत फेमस है तो बहुत लोग खाने के लिए आते हैं, तो हमारे नसीब में सिर्फ 20 रुपए के आलू आए। अब 20 रुपए में क्या वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपको फिर भी यहाँ की क्वालिटी बता दें। तो इस तरह खाने में बहुत मजा आता है, ये इसकी पक्की स्टाइल है, इसको इसी तरह खाया जाता है, यूं लेके तोड़ के हाथ में अलग अलग रोटी की तरह। तो दोस्तों, फाइनली बहुत दिनों के इंतजार के बाद आज हम पहुंच गए, और ये मसाले से भरा हुआ आलू आप देख रहे हो, बेहतरीन, इतना बेहतरीन कि हाथ लगाओ तो हाथ जले, मुंह लगाओ तो मुंह जले, और दिल लगाओ तो दिल जले, बेहतरीन भाई माशाल्लाह। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो ये घर के मसाले में बना हुआ है, और इसका तेल देखो, इसका मसाला देखो, उसकी खूबसूरती, और वाकई में स्वाद भी इतना ही बेहतरीन, एक बार खा के ट्राई जरूर करना। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन यहाँ का स्वाद बहुत बेहतरीन है, एक बार यहाँ पे ट्राई जरूर करना। बहुत सारे लोग यहाँ पर खाने के लिए आते हैं, अच्छे स्वाद के लिए आते हैं, लेकिन उनको सिवा तीखे के कुछ नहीं मिलता, इसीलिए मैंने सोचा लाओ एक छोटा सा वीडियो बना दूँ, आपकी खिदमत में हाजिर कर दूँ। और वैसे भी एक ज़ईफ इंसान, बुढ़ा इंसान अगर कोई काम कर रहा है तो हमें उसकी हेल्प करना चाहिए। अगर हम वहाँ खाने जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो खाने जाते ही है, तो अगर वहाँ खाने जाएंगे तो उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, तो इसी नीयत से ये वीडियो बनाया। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और हम लोग आलू खा के सरकेस दरगाह पर भी आए थे ये भाई को घुमाने के लिए। तो ये वीडियो में कितना सा मैसेज देने का था कि लोग बड़ी बड़ी होटल, बड़ी बड़ी रेस्टोरेंटों में जाके वीडियो बनाते हैं, लेकिन हम छोटी मोटी जगहों पे भी जाके वीडियो बनाते हैं। तो अगर आप किसी और जगह का वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखें, और ये भी ख्याल रखें अपने आस पड़ोस में कोई भूखा ना सोए, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी मजहब का हो।